रख के ना जाने दो, सही है ओके ओके। उस तरफ ना रखो, इस तरफ रखो। ये जाने दो। बिस्मिल्लाह, जाने दो। ठीक है। Assalamualaikum guys, welcome back to another brand new vlog. This is your buddy Avais Subhan and you are watching my channel Travel with Subhan. So good morning ji, good morning in Naran. MashaAllah, बहुत ही खूबसूरत सुबह. तो नारान में जनाब आज हमारा है दूसरा दिन. पहला दिन आपके साथ एक्सप्लोर किया हमने और यहाँ हम कैसे पहुँचे थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी आपको बताया. अगर आपने ये दोनों एपिसोड्स मेरी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें. तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि नारान कम से कम पैसों में आप कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो पहुँच कर यहाँ पर करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको बताई. मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर आप ज़िपलाइन कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों की भी एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं काफ़ी, और उसके अलावा आप झील सैफल मलूक विज़िट कर सकते हैं, द क्वीन ऑफ लेक्स, खूबसूरत लेक, बहुत ही प्यारी, वो भी हमने आपके साथ लास्ट एपिसोड में जो है वो उसका व्लॉग आपके साथ शेयर किया. तो अगर ये सब आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें, इंजॉय करें और इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से कलेक्ट करें. तो मैंने स्टे किया हुआ है जी ली ग्रैंड होटल में, जो कि बेसिकली झील रोड नारान के मकाम पर वाक़ है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है. यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वाईफाई अवेलेबल है और गर्म पानी भी आपको मिल जाएगा और भी जो, और रूम भी इनका बड़ा कंफर्टेबल स्टे रहा है हमारा, अच्छी नींद आई है और रूम्स भी इनके साफ़ हैं. तो आप यहाँ पर रहना चाहें, यहाँ पे भी रह सकते हैं. 2500 जो है वो रूम रेंट है. तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है नारान में और हट्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो अगर आप 2 या 3 बंदे हैं तो एक हट ले कर आप वहाँ पर भी रह सकते हैं. तो उसका रेंट 500 से 600 रुपये आपको वो हट जो है ना वो मिल जाएगा. उसमें 2 बेड होंगे और वॉशरूम अटैच होगा, तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, रूम्स वगैरह भी रह सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप कैसे रह सकते हैं. तो यहाँ पे नारान बाज़ार है जी विज़िट करने के लिए, बेहतरीन, वहाँ पर मज़े के खाने हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं. तो ये सब हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया. अगर आपने वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें. नारान जैसा कि आपको पता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री की जान है और पूरे पाकिस्तान से जो है वो सीज़न में यहाँ पे लोग आते हैं और जिन्होंने यहाँ से आगे भी जाना हो, गिलगित जाना हो, स्कर्दू जाना हो, हंजा जाना हो या चाइना बॉर्डर जाना हो, तो उनका जो फर्स्ट स्टॉप ओवर है वो नारान ही होता है. तो वहाँ से भी वापस जो आने वाले हैं उनका लास्ट स्टॉप जो है वो नारान ही होता है. तो नारान में जनाब आज हमारा दूसरा दिन है. तो आज का प्लान जो है ना वो हमारा कुछ यूँ है कि हम यहाँ से आगे जाएंगे बटकुंडी, जलखट, बेसल और बाबूसर टॉप. तो असल ब्यूटी जो है वो शुरू ही नारान से आगे होती है. तो यहाँ से आगे जो ब्यूटी है ना, जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड. तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना है आपने, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. नारान को हम करते हैं जी खैराबाद और चेकआउट करते हैं अपने होटल से. ये बेसिकली हमारा होटल था, ली ग्रैंड होटल, और ये रूम है हमारा बेसिकली. ये आपको दिखाते हैं अंदर से, ये डबल बेड रूम है, कारपेट बिछी हुई है, बेहतरीन ब्लैंकेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और ये कैबिनेट है यहाँ पे, और इस विंडो से आपको ये बेहतरीन व्यू जो है ना वो नारान का देखने को मिलेगा. ये वॉशरूम है जी, वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको. ये वॉशरूम है, ये लॉबी है जी इस होटल की, और अभी चेकआउट करते हैं, कीज़ वगैरह इनको हैंडओवर करते हैं. तो निकलते हैं जी नारान बाज़ार की जाने, नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं. पैक हमारा, बैग उठाते हैं और निकलते हैं जी नारान बाज़ार की जाने.
जनाब पप्पू शप्पू हम बन गए हैं, चमक नमक गए हैं। कल तो हमारी हालत जो है ना वो टाइट हुई थी, आपको पता है कि ट्रैवलिंग भी की थी और सेम डे में जनाब हमने आपके लिए फर्स्ट व्लॉग भी बनाया। पीसफुल मॉर्निंग है तो क्या कहेंगे मुजम्मिल भाई आप इस नारान के मौसम में? नारान की जो सुबह है ना वेस्ट भाई वो बहुत हसीन है और मौसम भी बहुत ठंडा और माशाल्लाह बहुत लुत्फंदोज हो रहे हैं। एक रोज वैली होटल भी है, इसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूम रेंट है वो ऑलमोस्ट 4000 से स्टार्ट होता है और 7-8 हज़ार तक जाता है। तो सिमिलरली ये माइजोनेट भी होटल है, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ का रूम रेंट तो बस पूछे मत, ये तो एलीट क्लास वाले लोगों के लिए है ना। तो यहाँ से जो रूम रेंट है ना वो 15,000-12,000 से स्टार्ट हो के तो 20,000 तक जाता है। तो इट्स अप टू यू स्टे करने के लिए आप कौन सा होटल जो है वो चूज़ करते हैं। सरान जा रहे हो, लिफ्ट दे रहे हो हमें फ्री में हैं, हम यूट्यूबर हैं इसीलिए फ्री में लिफ्ट दे रहे हैं। ओ भाई हर जगह जो है ना वो पैसा नहीं लगता, कुछ चीज़ें फ्री में भी चल जाती हैं, ताल्लुक होना चाहिए। हमने स्टे किया हुआ था झील रोड पे, तो झील रोड पे आपको पता है थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है नारायण बाजार का, तो हमें जनाब गाड़ी वाले ने ऑफर किया आओ हमारे साथ चलो, तो चलते हैं जी। चल बैठ। 19 साल की उम्र में ये हमारे भाई हैं, ड्राइवर क्या नाम है आपका जी? तो ये कैरी डब्बा है, तो यहाँ से अगर आपने बाबू सर टॉप जाना हो तो आप इसकी बुकिंग जो है ना वो करवा सकते हैं। ओके मुजफ्फर भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो अगेन जनाब हम आ चुके हैं जी पंजाब टिका हाउस, क्योंकि ये आपको पता है कि नारान का एक बहुत ही फेमस फूड पॉइंट है। यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। नाश्ता हमारा आ चुके हैं, हमने दो नान मंगवाए हैं, दो पराठे मंगवाए हैं, चारी चने मंगवाए हैं, ऑमलेट मंगवाया है और साथ ये लस्सी मंगवाई है। तो नाश्ता एंजॉय करते हैं और फिर आगे के सीन आपको बताते हैं। स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, जैसे मैंने आपको प्लान के मुताबिक बताया है कि आज हम जाएंगे जनाब बाबू सर, और बाबू सर के रास्ते में बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत जगहें जो आती हैं जैसे कि जलकट, बटक कुंडी, बड़वाई, बेसल और इस तरह की जो खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ हैं ना, हम इनके थ्रू गुजरते हुए बाबू सर पहुँचेंगे। तो बाबू सर के नज़ारे जो है ना वो हम आपको रास्ते में जितने भी नज़ारे हैं इन वादियों के इंजॉय कराते रहेंगे। अपना प्राइवेट जेट जो है ये तैयार करवा लिया है, प्राइवेट जेट जो है ना ये अब हमें लेके जाएगा बाबू सर टॉप। तो जैसा कि आपको पता है हम तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए थे, तो अभी जो है ना वो हमने ये जेट वगैरह तैयार कराया है, ये जेट हमें लेके जाएगा बाबू सर टॉप। तो अगर आप ग्रुप की फॉर्म में हो तो ये आप गाड़ी प्राइवेट जो है वो बुक कर सकते हैं, ये आपसे चार्ज करेंगे 7-8 हज़ार रुपये, तो पर हेड 1500-2000 रुपये आएगा, तो आप इजीली ये गाड़ी पे जा सकते हैं। तो अब जो है ना मैंने कम बोलना है और आपको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं नज़ारे इंजॉय कराऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स इंजॉय द व्यूज। तो जैसे ही नारान बाईपास क्रॉस करते हैं इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब पहाड़ आपको वेलकम करते हैं, और ये नज़ारे यकीन जाने इतने खूबसूरत हैं कि शायद ही आप अपनी ज़िंदगी में इन लम्हात को भुला पाएं। और यहाँ पर ड्राइव करने का भी एक अपना ही एडवेंचर और एक अपना ही मज़ा है। और यकीन जाने ये पहाड़ आपको उस खुदावन करीम की बनाई हुई कायनात पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे जी बटक कुंडी, जो कि नारान से 14 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और ये एक इंतहाई दिल फरेब और खूबसूरत वादी है कि यहाँ पर आने वाले वक्तों में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी कि नारान की बजाय आप यहाँ पर स्टे करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस हसीन सफर में जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आपका सफर खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाएगा।
नारान से 40 किलोमीटर के फासले पर जलखड़ की वादियां शुरू हो जाती हैं, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 10,300 फुट की बुलंदी पर वाकिया हैं। और यहां से आजाद कश्मीर को वादी कागान से मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क का रास्ता है, जो कि तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी पर वाकिया दर्रा नूरी टॉप से गुजरकर जाती है। इस सड़क के दूसरे सिरे पर दर्रा नीलम के किनारे शारदा का तारीखी और खूबसूरत कस्बा आबाद है। और यहाँ से लोलोसर और दोदीपसर नेशनल पार्क का आगाज हो जाता है। जलखड़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेसल का मकाम आपका मुंतजिर रहेगा। बेसल से कुछ फासले पर प्रबी नर कट्ठा है, जहाँ 1857 जंग आजादी में एक ही दिन में बहुत से मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया। अभी हम रुके हैं जी बेसल में। बेसर में मून रेस्टोरेंट है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नामी ग्रामी जो है ना रेस्टोरेंट है। इस्लामाबाद से नारान और नारान से बाबू सर आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा जी मून रेस्टोरेंट। यहाँ पे जनाब काफ़ी गहमा गहमी रहती है लोगों की, तो जब आप बाबू सर जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो ये लोग स्टॉप ओवर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जंपिंग और झूले भी लगे हुए हैं। बेसर बेसिकली वो मकाम है, यहाँ से जो है ना वो आप दोदीपसर लेक का ट्रैक अगर करना चाहें तो बेसर ही वो मकाम है। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी या बाइक जो है वो पार्क करना पड़ेगा और यहाँ से आगे एक डोली है वो क्रॉस करके आगे बेसर दोदीपसर झील 18 किलोमीटर की हाइक है वो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपने दोदीपसर लेक भी कवर करनी है तो आपको बेसर आना पड़ेगा और फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। और मून रेस्टोरेंट पे रुके हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा चाय शाय एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। चाय के साथ जनाब ये दो बिस्किट पकड़ लेते हैं, पार्टी पिक और गाला। जैसा कि आपको पता है बाबू सर टॉप की तरफ हम रवाना हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा चिल आउट करते हैं यहाँ पे और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसल से 3 किलोमीटर के फासले पर लोलोसर झील आपकी मुंतजिर रहती है। कहा जाता है कि मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर की एक अंधी बेटी ने लोलोसर झील के पानी से अपनी आंखें धोई तो उसकी बिनाई लौट आई थी। इस झील पर हर वक्त एक खामोशी और हैबत सी छाई रहती है। सर्दियों में ये झील बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में मुकम्मल तौर पर बर्फ खत्म तो नहीं होती बल्कि पहाड़ों पर कदरे बच जाती है, जिसकी बिना पर मौसम कदरे खुशगवार रहता है। तो और जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं जी लोलोसर झील। नारान से जब आप बाबूसर टॉप की जानिब आते हैं तो 2-3 मेन टूर अट्रैक्शंस हैं जहां पे आप लाजमी जो है वो अपना स्टॉप ओवर करें, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और गाड़ी को भी थोड़ा स्टे दें ताकि आपकी गाड़ी भी जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये स्टॉप ओवर है एक लोलोसर लेक का, और रास्ते में जनाब आप बेसल रुक सकते हैं, वहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा बटकुंडी है, जलखड़ है और 2-3 ग्लेशियर्स आते हैं और प्याला झील भी आती है, तो वहाँ पे भी आप अपना एक अच्छा स्टॉप ओवर कर सकते हैं। और वाटरफॉल्स भी हैं, वाटर स्ट्रीम्स भी हैं रास्ते में, तो वहाँ पर भी आप अपना स्टॉप ओवर कर सकते हैं। तो बाबू साहब जब आप जाएँ तो ये जर्नी आप अपना मेमोरेबल बनाएँ और ये इन यादगार लम्हात को जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए कैप्चर करें। अभी इस वक्त मौजूद है जी हम लोलोसर झील, तो यहाँ की जनाब आपको व्यूज़ इंजॉय कराते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्टे करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टे कनेक्टेड। Thank you.
सही है, ओके ओके। उस तरफ ना रखो, उस तरफ ना रखो, इस तरफ रखो। ये जाने दो जाने दो जाने दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो लोलोसर झील से 10 किलोमीटर की दूरी पर वादिया कागान का आखिरी गांव गटीदास मेडोज शुरू हो जाता है, जो कि सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पर वाकिया है, जहां पर वादिया कागान का हुस्न अपने अरूज पर होता है।